चलिए इसी के साथ नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां सपा विधायक अताउर रहमान पर बड़ा आरोप लगा है। युवक को बंद कमरे में पीटने का इन पर आरोप लगा है। जमीन विवाद में समझौते के लिए पहुंचा था युवक बहेड़ी से सपा विधायक अताउर रहमान। बड़े आरोप, गंभीर आरोप इन पर लगे हैं। विधायक सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी हो गया है। हत्या की कोशिश व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। विधायक अताउर रहमान ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव के साथ भी इनकी तस्वीर दिखाई दे रही है और काफी करीबी भी उनके लग रहे हैं। वही आपको बता दें, पीड़ित की बात करें तो पीड़ित ने पुलिस से समझौते की बात कही है और बरेली के बहेड़ी तहसील थाना क्षेत्र का यह मामला है। इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, बरेली से सपा विधायक अताउर रहमान पर बड़े आरोप लगे हैं, काफी गंभीर आरोप इन पर लगाए गए हैं युवक द्वारा, क्या कुछ अपडेट्स है? अश्मिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहेड़ी सीट से सपा विधायक अताउर रहमान और उनके साथियों पर एक युवक को कई घंटे अपने कार्यालय में बंधक बनाकर यातनाएं दी गई और उससे फायरिंग भी की गई और चाकुओं से वार किए गए और रिश्तेदार जब बचाने आए तो उनको भी जमकर पीटा और हत्या के इरादे से उसको मारा पीटा गया है। इनके साथ और 4 लोगों को के खिलाफ भी जो है मामला दर्ज है। वो 4 लोग कौन है, क्या इन्हीं के करीबी है या सपा से ही रिलेटेड है वो लोग? ये दो पक्षों के बीच में मामला था जिसमें एक पक्ष के जो 4 लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जो बहेड़ी विधायक ने उन्हें अपने कार्यालय को बुलाकर समझौता की प्रेशर करने की कोशिश की गई थी जिसमें मारपीट हुई। और अभी अभी की ताजा अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझौता नामा लेकर बहेड़ी विधायक अताउर रहमान एडीजी के पास जा रहे हैं और कहीं ना कहीं समझौता दिखाकर वो अपना ये जो इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है वो हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब मगर मतलब समझौते की बात तो हो ही रही है, चलिए वो तो देखना खास होगा कि क्या समझौता होता है या नहीं, मगर क्या पूर्व में भी इनके खिलाफ ऐसी कोई शिकायत आई है या ऐसी कोई बातें पूर्व में भी निकल कर सामने आई है जो है गुंडागर्दी करते दिखाई दिए है? मैं बताना चाहूंगा, अताउर रहमान पहली बार बसपा से विधायक बने थे, सपा सरकार बनते ही उसमें शामिल होकर राज्य मंत्री बने। बहेड़ी से 3री बार विधायक बने हैं और इलाके में इनकी जो छवि है वो दबंग नेता की मानी जाती है। जी चलिए, तो अब देखना खास ही होगा कि इन पर क्या कार्रवाई होती है, समझौता होता है या नहीं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो खबर हमने आपको बरेली से बताई, जहां अताउर रहमान जो कि सपा विधायक है उनके खिलाफ युवक ने FIR की है। बताया जा रहा है काफी ज्यादा उस युवक को पीटा गया है, मारने की कोशिश भी की गई है, काफी गंभीर आरोप युवक ने यहाँ पर लगाया है। देखना खास ही होगा पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करती है।